हेलो दोस्तों, बहुत सारे आपने मैसेज भी किया कि आप 3D प्रिंटर रिलेटेड वीडियो लाइए, तो आज मैंने सोचा चलो मैं आपको 3D प्रिंटर रिलेटेड वीडियो बना ही देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम राजेश पटेल और मेरी चैनल आस्था डेंटल लैब हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों 3D प्रिंटर के अंदर डीलर का जो प्रिंटर होता है वो अलग होता है, ऐसा उन लोगों को मानना है कि वो लोग जो प्रिंटर बेचते हैं वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 65,000 से लेकर 12 लाख का 3D प्रिंटर वो लोग बेचते हैं, वो वर्ल्ड का बेस्ट प्रिंटर होता है, उसका ऐसा उसका मानना है। लेकिन जो इंडिया के अंदर गोल्ड ज्वेल्स वाले, स्पेयर पार्ट वाले, ये सब जो प्रिंटर आते हैं वो डेंटल में नहीं चलते, ऐसा उन लोगों का कहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, 3D प्रिंटर का काम होता है जैसे हमारा नॉर्मल प्रिंटर जो हम बिल निकालते हैं मंथली, वैसे ही। तो आप उस प्रिंटर की तरह इस प्रिंटर को भी चला सकते हो। उसमें क्या होता है कि हम लोग बिल जो है वो इप्सन हो, कैनन हो या अदर कंपनी का हो, आप अपनी प्रिंट आउट जब निकालते हो तो कागज डालते हो तो निकल जाती है। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। STL फाइल है आपकी, जो ट्रे के हिसाब से आप उसके अंदर पिक्चर डालोगे तो वो बनेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों ने इसलिए अपना ही प्रिंटर को जहां से भी वो इंपोर्ट करवाते वहां पे उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इंडिया में आप उस प्रिंटर को किसी को भी आप बेचोगे नहीं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो ताकि आप वो इंडिया में प्रिंटर उसी के पास रहेगा, स्पेयर पार्ट भी उसी के पास रहेगा। अभी मान लीजिए आपने 6 लाख का एक प्रिंटर आता है, वो प्रिंटर आपने ले लिया और उसके बाद उस प्रिंटर के अंदर आपने जब भी चलाया, 1 ईयर वारंटी होती, वारंटी खत्म हुई, मदरबोर्ड जल गया, 6 लाख का प्रिंटर का मदरबोर्ड गया, तो वो कम प्राइस में नहीं आएगा। उसका इंजीनियर आएगा, देखेगा मदरबोर्ड गया, 3 लाख का मदरबोर्ड, 2.5 लाख का मदरबोर्ड आपको देना लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने 6 लाख का प्रिंटर ले लिया, अभी आप आधा पैसा डाल के चलाओगे। तो ये उन लोगों का एक फंडा होता है कमाने का, ऑलरेडी उसका क्या प्राइस है वो हमको पता नहीं होता, क्यों ये ऑनलाइन नहीं बिक रहा है। इसलिए अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम लोग कुछ भी चीज सर्च कर लेते हैं, पता चल जाता है कि इसकी प्राइस ये है, इसमें हमको पता नहीं चलता है, ऑलरेडी उसको बहुत कम रेट में मिल जाता है फिर भी। और हम लोग, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे डॉक्टर ने प्राइस बढ़ा दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला या 7 लाख वाला हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हमारा रेट बहुत मिल रहा है ना हम लोगों को, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। प्लीज यार, रेट गिर गया, क्यों आप लोग इतने पैसे इसके पीछे डालते हो। अभी मान लीजिए ये आप अमेजोन करके देखिए, एनी क्यूबिक है, और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, 28,000, 25,000, 26,000 कोई प्राइस ऐसा होता है, तो आप वो प्रिंटर है। ये आप यूट्यूब करके देखिए, इसका इतना बहुत अच्छा काम है इंडिया में, ये ओपन मार्केट में बहुत बिक रहा है, बहुत लोग उसको खरीद रहे हैं, और हम लोग पागल है, ये ओपन मार्केट से नहीं खरीदते हैं, फिक्स डीलर से खरीदते हैं। क्यों, हम लोगों को डर होता है इसका स्पेयर पार्ट रिपेयरिंग का नहीं होगा तो। अरे यार, जो लोग ओपन मार्केट से मिलता है ना, उसका रिपेयर करने वाला भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे उसका स्पेयर पार्ट भी मिलेगा। अभी मान लीजिए एक ट्रे है, इसका ट्रे है, आपने कोई 2.5 लाख वाला ले लिया है, उसका ट्रे आपको एक रेजिन का, एक कास्टेबल रेजिन, एक मॉडल रेजिन के लिए आपको ट्रे चाहिए, ये आपको मिल जाएगा 5,000 में अमेज़न से, और उसका आपको बोलेगा कि 15,000 का आएगा, 20,000 का आएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, फंस गए आप, तो आप वो 25,000 में लेना पड़ेगा उसका ट्रे। इसके बीच में आप देख रहे हैं मेरा मुंह दिख रहा है, ये बीच में कागज है, फिल्म है, ये फिल्म वो लोग बोलते हैं कि आपको 1-1.5 महीने में चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके कागज होता है तो ब्लर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, वो फिल्म लेने के लिए जाओगे तो 3,000 रुपये बोलेगा, ऑलरेडी इसकी फिल्म 500 रुपये में आपको अमेज़न से मिल रही है, नहीं लेगा आप लोग, क्यों नहीं लेगा, आप लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं ना, इसीलिए आप क्या करोगे, डीलर के अंदर फंसोगे। दोस्त ऐसा मत करो, क्योंकि आप इसीलिए ले रहे हो, मैं जानता हूँ कि आपको माया वो प्रॉपरली ट्रेनिंग देगा, डीलर कभी भी आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया है आज तक उन लोगों ने, बिल्कुल नहीं। आएगा चालू करके कुछ एक प्रिंटर निकाल के दे देगा, उसका पूरा फंडा नहीं बताएगा। मान लीजिए फिल्म फट गई, उसके बाद जो रेजिन लिक्विड है निकलेगा, यूवी लाइट पे जाएगा, यूवी लाइट और डिस्प्ले पे जाएगा, और नीचे से यूवी लाइट जब होगी ना, तो ये सारा डिस्प्ले पे आपका रेजिन जम जाएगा,
आपका प्रॉपर्टी डिस्प्ले खराब हो जाएगा, वो नहीं बताएगा इसको कैसे बचाया जाता है। आपका बहुत सारा अनुभव होगा तब जाके आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने इसको इससे किया होता तो मेरा डिस्प्ले आज तो कितने बदला, चेंज करना पड़ा नहीं करना पड़ा। एक डिस्प्ले का वो तो मनचाहा प्राइस ले लेगा, 60,000 का है तो कम से कम 12-15,000 तो आपसे ले ही गा। इसका डिस्प्ले 5,000 में मिल रहा है, लेकिन आप इसका डिस्प्ले वही ले लेंगे, वो तो अच्छा आता है, ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी यानी कि मटेरियल वाला ब्रांडेड है, आप ऑलरेडी उससे सिरामिक मटेरियल, इन्वेस्टमेंट मटेरियल कुछ भी लेते हो, मेटल लेते हैं, इसलिए आपको उसके ऊपर विश्वास छोड़ दिया है। लेकिन उसको लैब का कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकल वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बस मुंह से बोलेगा, आपको ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हम लोग प्रिंटर बेचते हैं, 30,000 उसका प्राइस है, ट्रेनिंग के साथ अभी का प्राइस है 30,000 रुपए। कम से कम 6 महीने तक इसका वीडियो देखना, 6 महीने लगे मेरा प्राइस कुछ नहीं करने वाला। हम लोग 30,000 के अंदर इसका ट्रेनिंग के साथ आप लोगों को सिखाएंगे, आप ही का कोई मॉडल लेकर आना, उसके अंदर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे इसी प्रिंटर से, और उसके बाद हम लोग उसका मॉडल के अंदर दिखाएंगे कि मार्जिन फिटिंग, सीमेंट गैप सही है जो भी आपको, उसके बाद कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग भी आप देख लीजिए जैसे पैटर्न बनाया था वैसा ही आया, जितना आपने नेगेटिव रखा उतना ही नेगेटिव अपना है, तो उसके बाद आपको अच्छा लगे तो हम लोग इसको प्रिंटर को आपको देंगे, उसके अंदर भी आपको पूरी तरह से ट्रेन करेंगे कि कैसे इसको मेंटेन करना, कैसे आपका डिस्प्ले पे कभी भी रेजिन, ये फिल्म फट जाए तो भी रेजिन आपके डिस्प्ले पे आए तो भी आपका डिस्प्ले खराब ना हुआ, ये सब हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये लैब वाला का बात हुआ, अभी मैं आपको प्रिंटर ढाई वाला, लाख वाला और ये 50-60 हज़ार वाला इसके बारे में बता दूँ। ये LCD प्रिंटर है, वो वाला LED प्रिंटर आता है। LED प्रिंटर में थोड़ा बहुत टाइम फास्ट होता है, जैसे 20 मिनट 25 मिनट आपको फास्ट में प्रिंटर होगा। एक्यूरेसी के अंदर हम लोगों को इतना एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को गोल्ड ज्वेलर्स वाले भी इसको यूज कर रहे हैं। मैं इससे पहले HD प्रिंटर यूज कर रहा था, मैंने 3 साल यूज किया, बहुत मजा आया, कभी भी एनाटॉमी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, फिटिंग का कोई इश्यू नहीं था। उसके बाद उसका स्पेयर पार्ट नहीं अवेलेबल ऑनलाइन था क्योंकि ऑलरेडी, तो मैंने सोचा चलो अभी इसके स्पेयर पार्ट मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्ट बढ़ गई थी, पुराना वर्जन था तो मैंने 4K ले लिया। अभी मैं 2-4 साल चलाऊंगा, उसके बाद कोई स्पेयर पार्ट का वो इश्यू आएगा तो इसके बाद 6K आएगा, मैं वो ले लूँगा 30,000 में। तो जो 30-40 हज़ार का मिल रहा है उसी को यूज़ करके मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं इम्प्लांट बना रहा हूँ उसके अंदर, बार बना रहा हूँ, CPD बना रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, CPD में इसके ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, HD में कर रहा था, अभी 4K में कर रहा हूँ। मुझे उसमें से थोड़ा बहुत टाइम फास्ट मिला और थोड़ा बारीक डिटेल मिल रही, बस वो डिटेल इनफ है इसके अंदर, इसके आगे आपको कोई गोल्ड का बारीक काम कर नहीं रहे तो इतनी ज़रूरत है नहीं। तो आपको अगर LED ही लेना है तो आपके पास पैसा है तो आप वो खरीद सकते हो, कोई मना नहीं है मेरा, ऑलरेडी आपको ये दिमाग में बैठ जाए तो ये उसका सारा स्पेयर पार्ट सब कुछ आपको हर जगह पे रिपेयर करने वाला, क्योंकि गोल्ड बाजार में आप जाओगे तो इसको बेचने वाला रिपेयर करने वाला आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो मैंने बनाया है, आप उसके जो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए पुराने हैं वो शेयर कर दीजिए, और आपको कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस नंबर से मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन हाँ शाम को 8 बजे के बाद आप मुझे कॉल नहीं कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।